नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में गठबंधन की राजनीति पर तो हमने बात की, लेकिन उसी दौर में वैसे तो छात्र आंदोलन, छात्र राजनीति तो बहुत पहले भी, आज़ादी के पहले से भी कई जो युवा हैं वो काम करते रहे, लेकिन असली जो कहना चाहिए कि बाद में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के समय में आया कि जेपी मूवमेंट में छात्र आंदोलन हुआ बिहार या गुजरात में, उससे भी पहले यदि आप देखें तो 70 के दशक जिस समय छात्र राजनीति कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, जब हम लोग, जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता और छात्र जीवन दोनों साथ साथ चल रहा था, तब किस तरह से एक तरफ वही डीपी मिश्रा, जहां हमने इसके पहले एपिसोड में चर्चा की थी, डीपी मिश्रा जो एक बड़े अच्छे प्रशासक माने जाते थे, कभी इंदिरा गांधी को लाने में उनकी भूमिका थी, कभी उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ भी वो हुए, वो डीपी मिश्रा उस काल में मध्य प्रदेश में ही छात्र आंदोलन के समय में गोलियां वलियां, हमने कहा राजा के यहाँ गोली चली थी पहले बस्तर में, ऐसे ही जब ज़्यादा एक्टिव जब छात्र हो जाते थे तो उस समय बाकायदा गोली भी चलती थी, और माधव कॉलेज एक है उज्जैन में, बाकायदा वहाँ परिसर में ही गोलियाँ चली पुलिस की। तो आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है, और आजकल तो छात्र राजनीति बहुत कम हो गई देखा जाए तो, क्योंकि कई जगह रोक ही लगा दिया गया विश्वविद्यालय की राजनीति में, लेकिन पहले जिस तरह का दौर चला था 70 में ही, उस समय ये बात शुरू हो गया कि जैसे राजनीतिक जोड़ तोड़, पार्टियाँ टूटती उनकी अलग बात है, लेकिन विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन जो कांग्रेस के हैं या समाजवादी जो विचार के हैं, ऐसे कई संगठन सक्रिय हुए बहुत बड़े संख्या में, और धीरे धीरे उनमें अपनी, जैसे आज़ादी के बाद तो एक सभी लोग होता था कि हम आगे बढ़ाना है, तब अपने अधिकारों के लिए यूनिवर्सिटी में भी ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें भी बाकायदा इतने चुनाव में ऐसी चहल पहल होती थी। अब हम दिल्ली बम्बई में सुनते हैं और कई राज्यों में बंद हैं, लेकिन उस समय में जो छात्र राजनीति थी वो मुख्यमंत्री वगैरह का इसीलिए विरोध बड़े पैमाने पर होने लगा कि भाई ये कैसे वो कर सकते हैं। आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों में आज भी नियम ये है कि वहाँ पर बगैर प्राचार्य की परमिशन के, वाइस चांसलर की परमिशन में, परिसर में, आपने JNU का किस्सा सुना होगा भाई अंदर कैसे कोई झुक सकता है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि उस समय जब कांग्रेस की रिजीम थी और अच्छे प्रशासक बन जाते थे, कहने को वो बहुत विचारक और लेखक भी थे डीपी मिश्रा, उसके काल, उनके काल में भी ऐसी स्थिति आई जब छात्रों पर भी गोली चलानी पड़ी, चली, और उसके बाद बड़े हंगामे हुए, हड़तालें हुई। तो हमारा जो इतिहास है यदि आप देखें भारत का, जो हमने जिस हिसाब से उसको आंखों से देखा, उसमें ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि हमने कहां से हम कहां पहुंचे हैं। हम उस छात्र राजनीति में ही कई ऐसे नेता निकले जो आगे बढ़े, उसी समय में उससे आप कहना चाहिए कि हिंदी का आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद होगा 67 के बाद ही एक बड़ा पैमाने पर, और हम जैसे जो सब एक्टिव थे वो उस कहने को, हमें ये भी अंदाज़ नहीं कि भाई वो कौन से संगठन है, लेकिन फिर भी ये सही कि उसमें चाहे विद्यार्थी परिषद भी था, लेकिन दूसरे जो कांग्रेस या साम्यवादी विचारों के संगठन थे वो भी सक्रिय थे, खास करके उत्तर भारत में। और मैं खुद, चूँकि जिसको कहना चाहिए कि भाषण वाषण देने की कला में मैं कोशिश करता था, बोलता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करके इनाम इनाम मिलते थे, तो हमें भी बिठाया गया कि भाई आप टांगे में बैठ करके शहर में घूमें, ऐसे कोई जो छात्र नेता हो या जो अच्छा बोल सकते हो, पूरे शहर में घूम करके ये बताया जाता था कि हिंदी के लिए, दक्षिण में हिंदी का विरोध शुरू हुआ था। तो यहाँ पर छात्रों ने इस आंदोलन को उठाया कि हिंदी के पक्ष में भी तो कोई खड़ा हो सकारात्मक। यदि आप उस हिसाब से देखें तो कई बार, जैसा मैंने कहा, कई बार तो उनके असंतोष होते हैं, कई बार गुटबाजी से झगड़े होते रहे, लेकिन सामाजिक विषयों को भी, और ख़ास करके राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के भी, उसी 67 से 70 के बीच में ही वो सबसे बड़े आंदोलन के रूप में, कहीं वाराणसी में हुआ, कहीं लखनऊ में हुआ, कहीं आगरा में हुआ, लेकिन जो हमने देखा हमारे उस इलाके में मध्य प्रदेश में भी, जहाँ एक से एक नंदुलारे वाजपेयी, शिव मंगल सिंह सुमन, जो खुद साहित्यकार होते हुए जो वाइस चांसलर होते थे, शिक्षा के क्षेत्र में श्री कृष्ण सरल जो आज़ादी के समय के जो लेखक हैं, उस तरह के लोग भी उस समय थे उस पीढ़ी के, और उस समय लगा कि भाई हिंदी का विरोध यदि साउथ में हो रहा है, आज आप देखिए हिंदी फिल्मों ने दक्षिण भारत में हमारी हिंदी को बहुत स्वीकार्यता कर दी, मीडिया ने कर दी, टेलीविज़न ने कर दी, लेकिन उस समय उसके पीछे राजनीति भी थी, DMK भी अपने उफान पर थी भारत में, यहाँ पर क्यों हिंदी को, इसीलिए त्रिभाषा फार्मूले की बात बाद में आई। तो हमारे यहाँ राजनीति के कई रंग देखने को हमको मिले हैं, जिसमें कि कैसे कैसे उसको आग का रूप ले सकता है, लेकिन कैसे उसमें यह है कि पढ़ने लिखने वाले लोग जो हिंदी साहित्य के लिए जो अच्छे से अच्छे लेखक हैं
उस समूह में चर्चा होगी, उन पर बात होगी, और वो उनको तमिल से आपत्ति नहीं थी, उनको गुजराती या मराठी से आपत्ति नहीं थी या कन्नड़ से आपत्ति नहीं थी। उनका कहना था कि अंग्रेजी का हम हटाने का करना है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। इसलिए आपने देखा होगा कई हिंदी भाषी राज्यों में एक समस्या भी आई, अंग्रेजी का मीडियम नहीं ज़्यादा रख करके सब जगह हिंदी में। आप आश्चर्य करेंगे, हमने जब शुरुआत में स्कूल में पढ़े हैं तो हिंदी का गणित पढ़ते थे। अब दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल है, वहाँ पर हिंदी माध्यम चौथी क्लास तक है, फोर्थ क्लास तक। अब उसका बच्चा जब बिहार जाता है या उत्तर प्रदेश जाता है, किसी और शहर में चला जाए, वो अच्छे स्कूल में जाएगा। जब सरदार पटेल यहाँ का बड़ा एक फेमस स्कूल है, इसलिए उसका नाम कई जगह कर रहा हूँ, लेकिन वो एक उनका एक हमारे संस्कार के हिसाब से है। भारतीय विद्या भवन कुछ ऐसे स्कूल से जहाँ आज भी ये चाहते हैं कि शुरू में उसको बेसिक अपनी मातृभाषा में भी वो अपना उसका शिक्षा हो सके। तो गणित जैसा कठिन विषय हम लोगों ने हिंदी में याद करते थे, हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी में लिखते थे, तो हिंदी का उतना जोर था। अब आपको कहीं कोई मिलेगा नहीं कि एट्थ क्लास का बच्चा कोई इंग्लिश में या टेंथ का बच्चा कोई हिंदी में गणित पढ़ रहा हो, कुछ राज्यों में संभव है, लेकिन वैसे देखा जाए तो माना जाएगा कि बड़ा प्रेशर उसको आगे मुश्किल आती है, चूँकि सारी किताबें आज तक उपलब्ध नहीं हुई। दुनिया के जिन देशों में इस तरह के आंदोलन भी हुए भाषा के लिए हुए, उसके साथ ये जोड़ा गया छात्रों के साथ कि फिर उसमें भी उस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हो, उस तरह की पढ़ाई उपलब्ध हो। भारत का दुर्भाग्य रहा कि हमारे यहाँ इस नाम पर भी बांटा गया, इस नाम पर भी दौड़ दौड़ हुई, इसलिए हम ना अंग्रेजी के रहते हैं ना हम भारतीय भाषा के होते हैं। ये छात्र राजनीति का एक सबक ये भी है कि छात्र राजनीति यदि हम देश में आए, उसका हम आज इतना आधुनिक युग आ गया है, छात्र आवश्यक है कि वो शुरू से उनको हो, लेकिन वो राजनीति पार्टी के लिए, धर्म के लिए, जाति के आधार पर न हो। वो कोई क्रांति, वो आज़ादी के पहले क्रांति की बात अलग थी, लेकिन जब यहाँ पर ऐसे ऐसे समूह जिनको बाहर से भी कहीं पैसा मिल जाता है, दिल्ली मुंबई में जो हम देखते हैं या कहीं और क्षेत्रों में भी, जहाँ पर इस तरह उसको छात्र राजनीति के नाम पर पे दंगाई यदि इकट्ठे होंगे तो छात्र राजनीति का भी चेहरा बिगड़ जाता है। और छात्र राजनीति जहाँ से शुरू हुई, मैंने इसलिए कहा सकारात्मक दृष्टि से उनके उनकी सुविधाओं के लिए, कॉलेज में अच्छी सुविधा हो, कॉलेज में अच्छी लेबोरेटरी हो, कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का या भारतीय भाषा का उपयोग हो, यही छात्र राजनीति का एक सबक आँखों देखा कह सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।